चलिए गोभी का एक जबरदस्त नाश्ता बनाने के लिए यहाँ मैंने लगभग 150 से 200 ग्राम गोभी को एकदम क्रश कर लिया है। इसमें डाल देंगे एक गाजर, वो भी मैंने कद्दू क्रश कर लिया है, फाइनली चॉप करके मैंने ले लिया है। और इसमें डालेंगे एक कप ये वाला बेसन, इस बाउल से एक ही मेजरमेंट से रखना है आपको। ये गेहूं का आटा और ये आ जाएगी सूजी, और इसमें एक टीस्पून डालेंगे ये लहसुन का पेस्ट, अदरक डालेंगे एक टेबलस्पून से थोड़ा सा कम, ग्रीन चिली लिटिल बिट डालेंगे क्योंकि बच्चे भी खा सके, इसलिए बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और अच्छा कलर लाने के लिए इसमें 2 टीस्पून में हल्दी डाल दूंगा, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर मैं कश्मीरी ले रहा हूँ ताकि ये तीखा नहीं होता है। और खट्टा मीठा बनाने के लिए इसमें डालूंगा मैं 1.5 टीस्पून अमचूर का पाउडर, नमक डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं यहाँ 2.5 टीस्पून ले रहा हूँ मैं। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और डालेंगे काफ़ी सारा इसमें ये धनिया पत्ता, थोड़ा पानी वाला है ताकि हमारा डो जो है थोड़ा सा नरम हो जाए, क्योंकि यहाँ पानी अभी तक तो मैंने नहीं बहुत अच्छे से नीट कर लिया है लगभग 4 से 5 मिनट, क्योंकि इसको ज़्यादा नीट नहीं करना है, लेकिन फिर भी कलर कितना, टेक्सचर कितना प्यारा है। तो इसमें मैंने ज़रा भी पानी नहीं लिया है, ये जो डो बनाया है मगर मैंने थोड़ा भी पानी नहीं लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे 1 टेबलस्पून के आसपास इसमें कुकिंग ऑयल लगा देंगे, एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो रेडी है इस तरह से, और थोड़ा सा हाथों में और हम तेल लगा लेंगे, और इस तरह से डोनट का शेप दे देंगे, या तो आप मनचाहा शेप दे सकते हैं इसमें। देखिए इस तरह से, और सारा जो डो है उसका सेम हम बना लेंगे डोनट्स और साइड में रखते जाएंगे। चलिए इस तरह से हमने सारे शेप में ले लिए है, डोनट शेप मैंने दे दिया है, शेप आप कोई भी दे सकते हैं ये गोभी का जबरदस्त नाश्ता बनाने के लिए। चलिए अब इसको हम स्टीम करते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटा कटोरा ले लिया है, उसके ऊपर स्टेन लगा दिया है, और 1 से 1.5 लीटर पानी मैंने इस बड़े बर्तन में लगा दिया है, और यहाँ पे एक जाली पे हम थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लेंगे ऑयल से, और हमारा ये जो डोनट है ये 1 by 1 इसमें हम रख देंगे। अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो आप एक ही में कर सकते हैं, छोटा है तो हम 4 से 5 ले सकते हैं इसमें। तो इसको अब हम स्टीम करने के लिए रख देंगे। और इसके ऊपर एक कपड़ा कॉटन का रख देंगे, कपड़ा ढक के इसके ऊपर बर्तन रख देंगे ताकि जो पानी है वो कपड़ा एब्जॉर्ब कर ले। अब 30 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ये 30-32 मिनट का समय हो चुका है, आपको वक्त कम ज़्यादा हो सकता है, चेक कर लेते एक बार कवर हटा के। बिल्कुल छुरी हमारी क्लीन बाहर आ रही है। तो ये डोनट्स हमारे तैयार है, गैस हम बंद कर देंगे, इसको बाहर निकाल देंगे। चलिए एक पलटी मार के देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा जो है स्टीम हुआ है, तो निकाल लेंगे अलग प्लेट में। चलिए एक कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच
कुकिंग ऑयल ले लेंगे, तेल को गर्म होने देंगे। चलिए ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो ये मस्टर्ड एक टीस्पून मैंने ले लिए, थोड़ा सा ले लेंगे जीरा हाफ टीस्पून और एक टीस्पून हींग डाल देंगे, और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून से ज़्यादा ये वाइट शीशम सीड ले लेंगे, और हल्का सा उसको फ्राई होने देंगे। 3 सूखी मिर्च डाल देंगे, और अब इसमें हमारा ये जो डोनट से वैसे तो गुजराती में मुठिया ही बोल सकते हैं उसको डालेंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी रहेगा ये गोभी का नाश्ता। बस 1 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलिए ये भी हमारा डोनट फ्राई होके एकदम अच्छे से रेडी है, तो एक एक पीस करके हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तरह से और थोड़ा सा ये धनिया पत्ता फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, रेडी है हमारा गोभी का नाश्ता।